विदिशा जिले के ग्यारसपुर पुलिस ने 3 साल पहले हुए अंधे कत्ल का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार हाईवे का निर्माण कर रही बिल्डकॉन कंपनी में काम कर रहे बालेंद्र बैस की मौत को डंपर से एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन पीएम रिपोर्ट में चोटों का मारपीट से लगना सामने आया था, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया था। आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन कर मामले की छानबीन की गई और डंपर चालक कमलेश गिरी से पूछताछ की गई। कमलेश गिरी निवासी बैरखेड़ी ने बताया कि बालेंद्र बैस को पोकलेन मशीन के ड्राइवर नीरज बुनकर, डंपर ड्राइवर संजय जैन, अशोक पारासर ने शराब के नशे में चक्कर भरने की बात पर मारपीट कर जान से मार दिया था और सुपरवाइजर दिनेश ठाकुर, अन्य डंपर ड्राइवर राहुल पटेल ने घटना को एक्सीडेंट बताने की योजना बनाकर पुलिस को गुमराह किया गया था। पुलिस ने कमलेश पुत्र कृष्णगिरी गोस्वामी निवासी बैरखेड़ी, राहुल पटेल पुत्र करोड़ीलाल कुशवाहा, संजय पुत्र गणेश प्रसाद सेन निवासी चित्तौरा सुर्खी, दिनेश ठाकुर पुत्र भगवान सिंह ठाकुर निवासी बैरखेड़ी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सहले की रिपोर्ट। जो आत्महत्या की घटना थी उस पर मामले का खुलासा किया गया, पूरा घटनाक्रम क्या था और कब घटित हुआ था, इसके आरोपी कौन कौन है? वर्ष 2017 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें बंसल कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक ड्राइवर था फोकलेन मशीन का, बालेंद्र बैस करके, उसका पीएम रिपोर्ट पीएम कराया गया था, जिस पीएम के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस घटनाक्रम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पीएम रिपोर्ट में जो जांच आई थी उसमें उसकी जो चोटें हुई थी वो होमोसाइडल बताई गई थी डॉक्टर द्वारा। अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी अपराध में आज कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है कि उसमें जो एक्सीडेंटल द्वारा मौत ना होकर उसकी मौत लड़ाई में आई चोटों के द्वारा हुई थी, जिनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को जेल भेजा जाएगा, हाँ, क्या प्रक्रिया रहेगी उनकी? उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कौन कौन सी धाराओं के तहत उनके पर कार्रवाई की गई? चूँकि प्रारंभ में अपराध 302 धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, अपराध में 2 धाराओं का इजाफा किया गया है, 201 और 120 IPC का। तो ये कोई आपसी रंजिश थी या ये मामला पूरा क्या? ये मामला क्या है, आपस में चक्कर भरने की बात पर लड़ाई हो चुकी थी उनकी, शराब के नशे में थे और 4 लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी इसमें, और फिर उस लड़ाई को उन्होंने एक्सीडेंटल का रूप दिया। तो ये लगभग 2 वर्ष बाद इस घटना का खुलासा हो पाया? 3 वर्ष बाद। तो इसके क्या कारण रहे? इसके ये कारण रहे कि घटना पे मौजूद जो मेन आरोपी थे और जो उनके सहायक थे, उनके द्वारा इस घटना को एक्सीडेंटल बताया गया था, जब और ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं था, लेकिन जब और विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आए हैं उनसे ये खुलासा हो पाया। कौन सी कंपनी में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।